हेलो एवरीवन प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 40 एंड द डेट इज 6th October 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं या अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है पोइट्री कंप्रिहेंशन, और जो पोएम रहेगी वो रहेगी रेन ऑन द रूफ, और ये आपकी पोएम नंबर 3rd है जो कि बिहाइव टेक्स्ट बुक से ली गई है, और इसके कवि, इसके राइटर, ऑथर कौन है? कोट्स किनी। तो आप जैसे पोएम को का नाम देख रहे हो रेन ऑन द रूफ, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि बारिश के ऊपर है। इसमें क्या है, जो राइटर है वो अपनी पास्ट मेमोरीज, पिछली यादों को, जब वो बारिश को देखता है अपने घर पर गिरते हुए, तो उसको पिछली यादें, अपनी पास्ट की यादें याद आती हैं, तो उन्हीं को इसको, इस पोएम में उन्होंने बताया है। 3 स्टेंजा हैं, उनको, पहले स्टेंजा को चलिए हम पढ़ते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the rain, of the soft rain overhead। यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग पहले मैं बता रहा हूँ आपको। ह्यूमिड माने हो गया समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, जो पूरी नमी से भरा हो। ओवर माने मंडराना, मूव अराउंड समथिंग। मेलनकोली हो गया सैड, सैडनेस। ब्लिस हो गया हैप्पीनेस, खुशी। और पैटर हो गया साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रेन रूफ, फॉलिंग ऑन द रूफ, कि बारिश की बूंदें जो छत पर गिर रही हैं और उनसे जो आवाज़ हो रही है उसको क्या बोलेंगे? पैटर। तो अब ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। When the humid shadows hover over all the starry spheres, shadows माने यहाँ पर clouds है, बादल हैं जो अर्थ पर छाए हुए हैं, जो तारों भरे, spheres माने आसमान, यहाँ पर जो तारे भरे आसमान पर, वो बादल पूरी तरह से अर्थ पर छा कर मंडरा रहे हैं, और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बारिश करने की। उस बारिश से क्या हो रहा है? And the melancholy darkness जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकोली डार्कनेस मतलब जो दुखी संसार में छाई हुई है, वो बारिश की बूंदें बड़े प्यार से उन रेनी टीयर्स को, उन बारिश, उन दुखों को, उन आंसुओं को बारिश की बूंदों में बहा लाते हैं, मतलब दुख को खत्म कर देते हैं। आगे क्या कवि कहते हैं? वट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। कॉटेज चैम्बर मतलब उसका, उनका बेडरूम, कि बेडरूम में मतलब अपने कमरे में लेटे हुए जो बारिश की आवाज़, सॉफ्ट रेन, जो उसकी बारिश की आवाज़, जो मधुर आवाज़ जो सुनने को मिल रही है, वो क्या है? एक उनके लिए ब्लिस है, एक आशीर्वाद की तरह है, मतलब उनको ये जो बारिश की बूंदें काफ़ी आनंद दे रही हैं। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं क्या है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। टिंकल माने हो गया शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, कि छोटी छोटी और हल्की आवाज, बजने वाली आवाज। शिंगल्स हो गए रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, एक रेक्टेंगुलर लकड़ी की टाइल्स होती हैं जो छत पर इस्तेमाल की जाती हैं। इको हो गया यहाँ पर रिपीटेड साउंड, जो आप सुन रहे हो कई बार आवाज, जो आवाज गूंजती है उसको क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। और फोर्थ इसका क्या हो जाएगा इस स्टेंजा का? वूफ। वूफ को हम वेफ्ट भी बोलते हैं, और ये क्या हो गया, एक कपड़ा हो गया, एक तरह का क्लोथ हो गया। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि पोइट जैसे ही बारिश को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि बारिश की बूंदों को सुनते हुए कवि कहते हैं कि जो बूंदें उनके छत पर गिर रही हैं, जो बूंदें उनकी छत पर, जो लकड़ी की टाइल्स पर छोटी छोटी आवाज़ में, प्यारी भरी आवाज़ में गिर रही हैं, वो उनके हार्ट में गूंज रही हैं, वो उनके दिल में चारों तरफ गूंज रही हैं,
और उनसे क्या हो रहा है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बींग स्टार्ट, और उनसे उनके बिजी जीवन में, जो व्यस्त जीवन में, थाउजेंड हजारों ड्रीमी फैंसीज, हजारों कल्पनाएं, काल्पनिक ड्रीम्स, सपने उनके दिल में बन रहे हैं। और क्या हो रहा है इसमें, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और जैसे वो बारिश की बूंदों को की आवाज अपनी छत पर सुन रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन, उनको हजारों पिछली यादें, हजारों मेमोरीज, अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं, और वो उनको कैसे लग रहा है कि वो वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ, कि जैसे एक कपड़े के अंदर एक धागे से सिलाई हो रही हो, धागे से कपड़े को बुना जा रहा हो, वैसे ही बारिश उनके मन में काफ़ी सारे मेमोरीज, काफ़ी सारी पास्ट मेमोरीज उनके मन में बुन रही हैं। थर्ड देखते हैं हमारा, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इर शी लेफ्ट them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब इस स्टेंजा में कवि, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर है एक मदर और सन की, कवि अपनी मम्मी को, अपनी माता को याद कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो समय, वो ईयर्स, वो अब जा चुके हैं जब उनकी मम्मी, उनके डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर वो खुद को और अपने सिबलिंग्स, भाई बहनों को बोल रहे हैं, जब वो उनकी मम्मी उनसे काफ़ी प्यार करती थी, और इर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो डॉन माने, यहाँ पर मैं कैब अगर बताऊँ तो जो डार्लिंग ड्रीमर्स तो हो गया वो पोइट और उनके सिबलिंग्स, और इर हो गया ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर बिफोर, जो बिफोर पहले जो वर्ड होता है उसके लिए पहले यूज करते थे इर, और डाउन हो गया डे ब्रेक, मतलब सवेरे का जो समय होता है उसे हम डाउन बोलते हैं, और एल आई एस टी लिस्ट हो गया, ये भी ओल्ड पोइटिक वर्ड है फॉर लिसन, सुनने को जो बोलते हैं, और रेफरेन, रेफरेन हो गया यहाँ पर आर रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम हेयर द साउंड ऑफ द रेन, एक गाने का एक भाग जिसको बार बार गाया जाता है, यहाँ पर जो आवाज़ बारिश की हो रही है उसको कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वो पोइट अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं, अपनी मदर को याद कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो दिन चले गए जब वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें सुबह तक, सवेरे तक सोने देती थी और अच्छे अच्छे सपने उनको रात को दिलाया करती थी। और आगे सेकंड इसमें बोल रहे हैं, ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफरेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब वो कह रहे हैं कि जब वह है बारिश की बूंदों से जो जो गीत बन रहा है, जब वो सुन रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनकी माँ अभी भी उनको आसमान से देख रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो थर्ड स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कंप्लीट होती है, और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं कि आपको बारिश देखने के बाद क्या याद आता है, कि कोई आपको मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज याद दिलाती हैं बारिश। और मैं दोबारा अगर संक्षेप में बताना चाहूँ तो जो बारिश की बूंदों को देखते हुए कवि अपने वर्तमान के साथ साथ अतीत को भी जोड़ते हैं, कि वो जो वर्तमान में समय है उसमें वो बता रहे हैं कि लोगों का जो दुख है वो बारिश हटा देती है, और उन्हें थाउजेंड ड्रीमी, दो हजारों कल्पनाएं, काल्पनिक सपने दिलाती है, और उन्हें पिछली यादों भी दिलाती है जिसमें वो अपनी माँ को भी याद करते हैं। तो ये हमारी जो पोएम की एक्सप्लेनेशन ये ख़त्म होती है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। रीड द गिवन अबो पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पोएम आपने पढ़ चुके हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द रेन ऑन द रूफ पोएम। तो इसके पोइट कौन है मैंने बताया, कोट स्किनिंग कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑप्शन पढ़ने की। वट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा आप देखते हैं क्या है। राइमिंग स्कीम ऑफ स्टैंजा है, देखिए, हावर होवर ए स्पीयर्स बी डार्कनेस सी टीयर्स
बी स्पीयर्स और टीयर्स राइम कर रहे हैं, पिलो डी, बेड ई, पेटर एफ और हेड ई, तो क्या बन गया, ए बी सी बी डी ई एफ ई, बेड और हेड राइम कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये आंसर हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द पोइट इज डैश टू द पेटर ऑफ द रेन। पोइट क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातिंग से नहा तो नहीं रहे हैं, क्राइंग रो नहीं रहे हैं, स्लीप सो नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोइट उस गाने को सुन रहे हैं जो कि बारिश की बूंदें बना रही हैं। डी है द साउंड ऑफ द रेन बिगेन थाउजेंड्स ऑफ क्या, मेमोरीज यादें, इमेजिनेशन कल्पनाएं, दोनों हो जाएगा आंसर इसका, बोथ वन और टू। फिफ्थ क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड द पोइट ऑफ हिज, जो साउंड ऑफ रेन हो किसकी याद दिलाती है, उनकी मदर की याद दिलाती है। एफ क्वेश्चन, हिज मदर लुक्स एट हिम डैश, जो उनकी माता है वो आसमान से उनको कैसे देख रही हैं, एडवर्ब यूज करनी है आपको, विद एंगर ये कोई एडवर्ब नहीं होगी, गुस्से से विद लव ये भी कोई एडवर्ब नहीं होगी, तो दो एडवर्ब बची हमारे पास, केयरफुली ध्यानपूर्वक से और फोंडली प्यार से, तो आपने पढ़ा है क्या है, फोंडली पूरे प्यार से, तो इसका आंसर हो जाएगा फोंडली। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम। डार्लिंग ड्रीमर्स से पोइट क्या कह रहे हैं कि कौन सो रहे हैं इस पोएम में, तो कौन बता रहे हैं, डार्लिंग ड्रीम्स आपको बताया था मैंने, पोइट एंड हिज सिबलिंग्स, कवि और उसके भाई बहन। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आपको कैसा लगता है, मुझे तो काफ़ी खुशी होती है जब बारिश होती है, तो आप अपने बीच में आंसर आप खुद ऐड कर सकते हैं, आपके पास एनी अदर ऑप्शन भी है, अगर आप इन तीनों में से सैड दुखी एनक्शियस चिंतित या आप फोर्थ ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी जो पोएम है यहाँ पर ख़त्म होती है, और अगर आपको पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन का अगर वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, और पोएम नंबर 2 विंड की अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर योर फ्रेंड्स, हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।